सबको नमस्कार। दोस्तों, दिल्ली में कोरोना काफ़ी फैला हुआ है और जनता के साथ मिलके, केंद्र सरकार के साथ मिलके हम इसे काबू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ जिन लोगों को कोरोना हो जाए उनके इलाज की समुचित व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। आज दिल्ली में लगभग 25,000 एक्टिव केसेस हैं। 33,000 लोग ठीक होके अपने अपने घर जा चुके हैं। 25,000 लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी कोरोना है। अस्पतालों में इस टाइम 6,000 के करीब लोग हैं और 12,000 के करीब लोगों का उनके घर के अंदर इलाज चल रहा है। आज जैसा मैंने बताया, दिल्ली में 25,000 एक्टिव केस हैं। आज से ठीक एक हफ्ता पहले दिल्ली में 24,000 एक्टिव केस थे। एक हफ्ते के अंदर केवल 1,000 एक्टिव केस बढ़े। इसका मतलब लगभग जितने लोग बीमार ठीक हो रहे हैं उतने ही लोग बीमार हो रहे हैं। एक तरह से फिलहाल ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है। पिछले दिनों में हमने टेस्टिंग बहुत बड़े स्तर पे, टेस्टिंग 3 गुना कर दी है, 3 गुना से भी ज़्यादा हमने टेस्टिंग कर दी है। बीच में लोगों को अपना टेस्ट कराने में दिक्कत आ रही थी। मैं समझता हूं कि अब आपको टेस्ट कराने में दिक्कत नहीं आ रही होगी। पहले लगभग 5,000 टेस्ट डेली किए जाते थे, अब डेली 18,000 के करीब टेस्ट डेली हो रहे हैं। बीच में कुछ लैब्स ने गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, उन लैब्स के खिलाफ हमने एक्शन लिया, क्योंकि गलत काम तो किसी को नहीं करने दिया जा सकता। कुछ लैब्स ऐसी थी जो कि नेगेटिव होने के बावजूद भी पॉजिटिव दिखा रही थी जब उनकी चेकिंग की गई। तो अब सारी लैब्स को सख्ती के साथ कहा गया है कि सही काम करना है और पूरी कैपेसिटी के ऊपर काम करना है, खूब टेस्ट करने हैं। केंद्र सरकार की मदद से दिल्ली में एंटीजन टेस्ट भी शुरू किए गए हैं। एंटीजन टेस्ट रैपिड टेस्ट होता है, 15 मिनट में, आधे घंटे में पता चल जाता है। तो इस टाइम दिल्ली के अंदर लगभग 18,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि अब आपको अपनी टेस्टिंग कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिन लोगों का इलाज हम घर पे करते हैं, जो लोग माइल्ड होते हैं, कम बुखार है, थोड़ी सी खांसी है या कोई सिम्टम नहीं है, ऐसे लोगों का इलाज उनके घर में ही रह के किया जाता है। उसमें हम डेली, हमारी टीम उनको फ़ोन करती है, उनसे हालचाल पूछती है, बुखार तो नहीं हुआ, और उनको एडवाइस देती है कि क्या क्या करना है। अब हम इसमें, कोरोना में हमने देखा कि एक ही चीज़ की समस्या सबसे ज़्यादा होती है कि मरीज का ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है, मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है, मरीज को ब्रेथलेसनेस दे होती है, और मरीज को तुरंत ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है। अगर मरीजों को सही टाइम पे तुरंत ऑक्सीजन मिल जाए तो कई मरीजों को बचाया जा सकता है। तो इसके लिए अब हमने क्या किया है कि जितने अब होम क्वारंटाइन के केसेस होंगे, होम आइसोलेशन के, दिल्ली सरकार हर होम आइसोलेशन वाले केस को एक ऑक्सी पल्स मीटर देगी। आप उस पल्स मीटर को अपने घर रखिए, जब आप ठीक हो जाएं सरकार को वापस कर दीजिए 10 दिन के बाद। उस पल्स मीटर से आप हर घंटे में, 2 घंटे में आप अपनी ऑक्सीजन नापते रहिए। अगर आपकी ऑक्सीजन कम होती है, हम आपको एक फ़ोन नंबर दे देंगे, उस पर फ़ोन कर दीजिएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में हम ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर रख रहे हैं, तुरंत हमारी टीम कॉन्सेंट्रेटर लेके पहुंच जाएगी जल्द से जल्द, और आपको तुरंत आपके घर में ऑक्सीजन दे दी जाएगी, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कई बार हमने देखा है कि ऑक्सीजन तुरंत न मिलने की वजह से अस्पताल में शिफ्ट करने तक
इतने में ही कई बार मरीज कभी कभी कोलैप्स कर जाता है। तो इसीलिए हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हम लोग ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर रख रहे हैं, और अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो कॉन्सेंट्रेटर पहले तुरंत आपके घर पहुंचा दिया जाएगा, ताकि आपको समय पे ऑक्सीजन मिल सके और आपको कंट्रोल किया जा सके। फिर आपको अस्पताल ले जाएंगे और अस्पताल में आपका इलाज किया जाएगा। 12 जून को दिल्ली के सारे अस्पतालों में मिला के 5300 बेड्स भरे हुए थे। आज की डेट में 6200 बेड भरे हुए हैं। तो लगभग 10 दिन में केवल 900 बेड भरे। इन 10 दिनों में 23,000 नए मरीज आए। 23,000 नए मरीजों में से केवल 900 बेड्स की जरूरत पड़ी, एक्स्ट्रा बेड्स की जरूरत पड़ी। इसके दो मायने हैं। एक तो ये कि जितने लोग अस्पताल में एडमिशन ले रहे हैं उतने ही लोग लगभग ठीक होकर घर भी जा रहे हैं, और दूसरा ये कि जितने नए केस आ रहे हैं इनमें सीरियस केस बहुत कम हैं। माइल्ड केस और एसिम्टोमेटिक केस ज़्यादा हैं जिनका हम घर पर इलाज कर रहे हैं, सीरियस केस बहुत कम है जिनको अस्पतालों की जरूरत पड़ रही है। तो लगभग बेड्स की स्थिति ऐसी है कि डेली बेसिस पे 150 एक्स्ट्रा बेड्स की जरूरत पड़ती है। उतने बड़े स्केल के ऊपर बेड्स की फिलहाल जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी हम हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठे। मुझे बेहद खुशी है कि आज की डेट में एक तरफ जहां 6200 बेड ऑक्यूपाइड हैं, 7000 बेड खाली हैं। बीच में थोड़ी सी बेड की मारामारी हुई थी, लेकिन हमने युद्ध स्तर के ऊपर सारे अस्पतालों से बात करके, सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में आपके लिए बेड्स का इंतजाम किया है। आज की डेट में 7000 बेड्स खाली हैं। इस दौरान हमें केंद्र सरकार से काफ़ी सहयोग मिल रहा है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलके दिल्ली में कोरोना को काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये समय आपस में लड़ाई झगड़े का नहीं है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो कोरोना जीत जाएगा, और अगर हम मिलके लड़ेंगे कोरोना से तो कोरोना को हरा सकते हैं। आज पूरा देश चाइना के खिलाफ दो युद्ध लड़ रहा है। एक चाइना के द्वारा भेजे गए वायरस के खिलाफ, और दूसरा चाइना के खिलाफ बॉर्डर के ऊपर युद्ध लड़ रहा है। वायरस के खिलाफ हमारे डॉक्टर, हमारे नर्स, ये सब युद्ध लड़ रहे हैं, और बॉर्डर के ऊपर हमारे सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं। आज पूरा देश हमारे डॉक्टर्स के साथ एक तरफ खड़ा है, और हमारे दूसरी तरफ हमारे सैनिकों के साथ खड़ा है। और इन दोनों युद्धों को हमें पूरे देश को मिलकर लड़ना है। इसमें बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं, कोई गुटबाजी नहीं। सारे देश को एक होके कोरोना के खिलाफ भी युद्ध लड़ना है, और चाइना के खिलाफ भी हमें युद्ध लड़ना है। हमारे 20 जवान पीछे नहीं हटे, हम पूरे देश भी पीछे नहीं हटने वाला। जब तक हम जीत नहीं जाएंगे तब तक देश पीछे नहीं हटेगा। जय हिंद।